जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। किसी भी ट्रेन का वेटिंग टिकट सबसे बड़ा झंझट होता है। हर बार उस ट्रेन का स्टेटस आपको देखते रहना पड़ता है जब तक आपका टिकट कंफर्म ना हो जाए। और जब हम लोग अपना टिकट बुक कर रहे होते हैं उस समय सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सा वाला वेटिंग टिकट बुक किया जाए कि वो जल्दी कन्फर्म हो जाए। दोस्तों, टिकट बुकिंग से ठीक पहले जितने सवाल आपके मन में होते होंगे उतने ही सवाल कभी ना कभी मेरे भी मन में हुआ करते थे। लेकिन अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो मैं कौन सा वाला वेटिंग टिकट बुक करता और उस टिकट को कैसे कंफर्म करता, उसके बारे में आज के वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं और आपको टिकट बुकिंग के दौरान रेलवे को 150 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपका टिकट कंफर्म होता हुआ नज़र आए तो कितना बेहतर होगा। दरअसल बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि GNWL वाला जो वेटिंग होता है वो बहुत जल्दी डाउन होता है। अगर आपका GNWL 50 है तो वो कुछ दिनों के अंदर या एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर वो डाउन हो जाएगा, RAC तक पहुँच जाएगा। मैं आपको दो एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। दरअसल हाल ही में मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे एक डिटेल भेजी थी कि वो मुंबई LTT से जंघई तक जा रहे हैं और उनका PQWL वाला वेटिंग था। और वेटिंग कम नहीं, वेटिंग बहुत ज़्यादा था और शायद उनका वेटिंग कंफर्म भी नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, अगर आप किसी भी ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश ये किया करिए जहाँ से ट्रेन चल रही है और जहाँ तक ट्रेन जा रही है वहाँ तक का टिकट बुक करिए। और अगर आपको रास्ते में कहीं पर उतरना है तो आप उतर सकते हैं। रेलवे का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप रास्ते में कहीं पर नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी वेटिंग टिकट होते हैं, चाहे वो PQWL वाला हो या फिर RLWL वाला हो, ट्रेन जहाँ से जहाँ तक जा रही होती है अगर वहाँ से उस ट्रेन में सीट खाली हैं तब जाकर कहीं PQWL और RLWL कोटा वाली जो वेटिंग लिस्ट वाली सीट होती है वो कन्फर्म होती है। अगर ट्रेन ऑलरेडी फुल है और आप PQWL और RLWL वाला टिकट ले रहे हैं तो किसी भी तरीके से वो टिकट कंफर्म नहीं होगा। तो जब भी आप किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने जा रहे हैं तो हमेशा ये चीज़ देखिए ट्रेन कहां से कहां तक जा रही है। अगर आप ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले किसी भी स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं तो टिकट बुकिंग के दौरान आप उस स्टेशन का नाम वहाँ पर लिख दीजिए। आपका टिकट सोर्स से जहाँ से ट्रेन चलने वाली है वहीं से ही कंफर्म हो जाएगा और जिस स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़ने वाले हैं आपको सीट खाली मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग GNWL वाले वेटिंग अगर आपने लिया है तो वो बहुत जल्दी घटता है, वो RAC पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओल्ड कोटा और RLWL वाली वेटिंग उसी कंडीशन में कन्फर्म होगा जब ट्रेन जहाँ से चल रही है वहाँ से खाली चल रही हो। दोस्तों, अगर आपका टिकट बुकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आकर अपनी डिटेल्स पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।